अक्सर ऐसे आदमी जिस दे सारे अंग काम कर रहे हैं उन्हों भी रब नाल किसी ना किसी गल नू लैके शिकायत करते देखे इन्ना ही नहीं उन्हों शिकायत रहती भी है। पर ऐसी सोनू एक यही लड़की ना मिलान जा रहे हैं जिदी उम्र 22 साल हैगी है और बचपन तो ही उसका एक पूरा मतलब कि बाँह नहीं है और दूजे पासे भी सिर्फ जड़ा हाथ हैगा उस दियां उंगलां नहीं है पर उन्हों फिर भी रब नाल कोई शिकायत नहीं है। तो देखो मैं जिदी जिहड़ी कुड़ी दी बचपन तो ही दोनों हाथ नहीं आपां कह सकते हैं भी दोनों बाहां नहीं है दोनों हाथ नहीं है पर फिर भी उन्हों रब नाल कोई शिकायत नहीं है। एक बहुत वड्डी गल है क्योंकि अक्सर साढ़े सारे अंग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी असी रब नाल शिकायत रखते हैं भी रब ने सानू आ नहीं दिता रब ने साडे नाल इदां नहीं किया असी अक्सर रब नाल शिकायत करते हैं। साडे नाल रहनुमा 22 साल दी है और इन्हां दे दोनों हाथ नहीं है दोनों बाहां नहीं है एक पासे एक हाथ हैगा तो उस दियां फिंगरां नहीं है। मैडम तुहाडा दैनिक सवेरा ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं रहनुमा रानी। मैडम आपके बाजू भी नहीं है दोनों बाजू नहीं है एक हाथ है तो हाथ में फिंगर्स नहीं है। अक्सर ऐसी जिन्हां दे सारे ऐसी शरीर सारा अंग काम कर रहे हैं ऐसी उन्हों भी रब नाल शिकायत करते हुए अक्सर देखिया उन्हों शिकायत रहती है कि मैनू रब ने यह नहीं दिता मैनू चंगे घर पैदा नहीं किया मैनू अमीर नहीं बनाया या मैनू कार नहीं दिती मैनू कोठी नहीं दिती मैनू अच्छी जॉब नहीं दिती कोई ना कोई शिकायत उन्हां दी रहती है। पर तुसी मतलब कि इन्नी सैटिस्फैक्शन किदां मैं सोनू क्यों नहीं शिकायत मेरे को मतलब स्टार्टिंग में था कि मेरा हाथ पैर नहीं था मैं मतलब तब मेरा बर्थ हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी हूँ मतलब मेरे हाथ पैर नहीं है तो तब थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ती रही तब मुझे थोड़ा मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसी हूँ मेरे हाथ पैर होने चाहिए ऐसे मतलब थोड़ा अंदर से मतलब सोचती थी काश मेरे हाथ पैर होते तो बट अब जो भी मतलब ऊपर वाले ने जो भी मतलब दिया है मेरे को उसमें मैं बहुत खुश हूँ और जिस वजह से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि उन्होंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि मैं हैंडीकैप हूँ हाथ पैर नहीं है आस पड़ोस क्या बोलेंगे ये उन्होंने कुछ नहीं सोचा बट उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और लिखना सिखाया और स्कूल में भी एडमिशन करवाया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। ऐसी सोनू दसदी है रहनुमा दी उम्र 22 साल है और फाइन आर्ट्स विच चौथे साल दी स्टूडेंट है। एक बहुत वड्डी गल है जिन्हें दसवीं कीती बारहवीं कीती स्कूल च गई रेगुलर और उस तो बाद फाइन आर्ट्स विच एडमिशन लिती एडमिशन कोई इनू इदा नहीं मिली कंपीटिशन क्लीयर किया इस बच्ची ने और उस तो बाद हुण चौथे साल फाइन आर्ट्स दी स्टूडेंट है और बहुत वधिया ड्राइंग बनाती है सारे काम खुद करती है। इस च किन्नी सच्चाई है जिहड़ी मैं गल्लां कीतियां? हाँ जी तब मैं मतलब मेरी बहन सिस्टर वगैरह स्कूल जाते थे तो मैं मुझे भी करता था कि मम्मी मैं भी चलूँ क्योंकि मैं अकेली पढ़ जाती थी घर पर और मुझे रोना आता था कि मैं भी चलूँ जैसे छोटे बच्चे बोलते ना कि मुझे अपनी बहन भाई के साथ जाना है सिस्टर वगैरह के तो मैं भी रोती थी तो फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत लिखना मतलब हमारे फर्श था जो कच्चा उसी भी हमें पहले कोयले से फिर चौक से लिखना सिखाया। स्टार्टिंग में तो मैं मुँह से लिखती थी तो वो तो हो नहीं पाया बट मेरे को मम्मी ने अपने पैर पे अंगूठे में फंसा के चौक और मुझे भी लिखना पकड़ के सिखाया तो फिर इसके बाद मुझे धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस कराया और एडमिशन वगैरह कराया नॉर्मल बच्चों के साथ ये नहीं कि मैं हैंडीकैप हूँ तो हैंडीकैप स्कूल में मतलब एडमिशन कराया उन्होंने मुझे नॉर्मल ट्रीट किया तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही मुझे एडमिशन कराया और फिर मैं तब स्कूल गई तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा मुझे बहुत ज़्यादा कि जैसे मैं मतलब जाती थी रास्ते में गली से निकलती थी तो बच्चे बोलते थे कि ये इसका हाथ पैर नहीं है लंगड़ी टूटी तो वो सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस और बहुत ज़्यादा दुख हो जाती थी कि रोना भी आ जाता था कि मम्मी ये क्या बोल रहे मुझे तो फिर मम्मी ने कहा कि ये चलो कोई बात नहीं आप सुन के अनसुन एक दो बार कर दो सुन के अनसुनी भी बट अंदर से एहसास होता है कि ऐसे ऊपर वाले ने क्यों बनाया मुझे तो फिर इसके बाद धीरे धीरे मतलब अब होता रहा तो मैंने स्कूल में मतलब क्लास में एंट्री की तो मैम ने कुछ लिखवाया था
ब्लैक बोर्ड पे, तो उसको मैंने लिखा कॉपी पे, तो वो हैरान हो गए कि ये इतना सुंदर कैसे लिख रही है, और नॉर्मल बच्चों की तरह ही लिख रही थी। तो उन सब हैरान और सब मेरे पास मतलब इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई, पीछे पूरा राउंड सर्कल में करा उन्होंने, मतलब घेरा घेरा। तो मैं मतलब उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग भी बजाई और बोला कि सीखो रहनुमा से, देखो तुम्हारी राइटिंग ऐसी है और देखो इनकी राइटिंग ऐसी है, देखो तुमसे अच्छा है, ऐसे मतलब बोलने लग गए। तो उन्होंने मेरी थोड़ी मतलब तारीफ़ वगैरह की और बोला कि रहनुमा बहुत अच्छे लिख रहे हो। मैं खुश हो गई, तो मैंने ये सब मम्मी को बताया, तो मम्मी भी मेरे से बहुत खुश हुई कि मतलब मैं ये नहीं कि मैं जो भी बात मेरे साथ होती थी पूरे दिन में वो मैं घर पे सबको बताती थी, क्योंकि मेरे नहीं होता था कि मैं अपने अंदर ही छुपा के रखूँ, कि मैं जाते ही मम्मी को बोलती मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, दुख हुआ, जो भी होती थी मेरे साथ पूरे दिन का शेड्यूल जो होता था, तो मैं मम्मी को बताती थी। और कभी कभी मैं मतलब रास्ते में तब जाती थी, स्कूल जाती थी, काफ़ी बार मैं गिरी हूँ जिससे मेरी चोट भी वगैरह, हाथ पैर में भी चोट लग गई है, तो मतलब तभी मैं ये नहीं मानती थी कि मैं आज स्कूल नहीं गई तो कल स्कूल नहीं जाऊँगी, बट मैं बोलती थी मम्मी मैंने जाना है स्कूल। तो मैं, मेरी सास मेरी सिस्टर रहती थी तो वो मेरी बहुत हेल्प करती थी बहुत ज़्यादा। और मैं तब हम +1 +2 हमने बाहर से किए 8 मॉडल से, तो फर्स्ट टाइम मैंने बस में ट्रैवल किया है, तो पहले ऑटो से जाते थे, तो वो बोलती थी नहीं तुझे बस में भी चढ़ना है, उसमें भी सीखना है कि बस में कैसे ट्रैवल करते हैं, अगर तू अकेली जाने लग गई तो कैसे करेगी। तो उसने मुझे मतलब मेरी हम ट्विंस हैं, मैं और एक और है मेरी सिस्टर, तो हम दोनों एक ही क्लास में थे और एक ही स्कूल में थे, तो स्टार्टिंग से हम दोनों एक मतलब एक ही साथ +2 तक रहे। फिर उसने स्कूल कंप्लीट होते ही कोविड का टाइम था, तो वो बजट नहीं बन रहा था कि कॉलेज में एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है, तो उस करके मेरी बहन ने और मेरे जो बड़े भाई थे हम तीनों ने +2 एक साथ क्लियर किया था, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, ये कि बजट ज़्यादा था और भाई बोले थे कि हम तीनों में से इनको करा दो, मेरे को बोला भाई हम तो कर लेंगे जैसे तैसा करके, बट तू नहीं कर पाएगी, तू पढ़ ले लिख ले और कामयाब बन जा, हम तेरे साथ है। यही सपोर्ट मुझे मतलब हौसला देता है कि हाँ तू बढ़, आगे बढ़, मेरे पीछे बहुत जन है मेरा सहारा देने के लिए। रेमनो, तुम आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे दो ब्रदर बड़े हैं, हम ट्विंस हैं, और 3 सिस्टर एंड 3 ब्रदर हैं। हाँ ओके रेनुमा, जी, आपकी फैमिली में और भी कोई हैंडीकैप्ट है जैसे आप हैं? कोई और भी है फैमिली मेंबर्स, कोई ब्रदर सिस्टर? नहीं, मैं ही हूँ जो हैंडीकैप हूँ, जो इस तरह मतलब क्लांग पैदा हुई हूँ। तो काफ़ी बंदे बोलते थे कि यार ये तब मैं पैदा हुई थी, तो बंदे बोलते थे कि यार कैसी ये पैदा हुई है, तो वो बोलते थे कि ये जल्दी जी नहीं पाएगी, जल्दी मर जाएगी। तो काफ़ी बंदों ने बुरा भला बोला कि यार, मेरे पापा को बोलते यार तेरी बेटी ऐसी हुई है, उसको बस कर दे ऐसी, दफना दे ऐसी जिंदा, मतलब पापा को, बट ये नहीं था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये नहीं बोला कि नहीं ये मेरी बेटी ऐसे हुई तो हम सीधा ऐसे कर दे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो भाई ऊपर वाले ने जो भी दिया है उसे मतलब केयर करनी चाहिए उसकी, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब उन्होंने केयर की, अब यहाँ तक मैं पहुँची उनकी बदौलत से। रेमनो, माय फादर मदर क्या करते हैं आपके? पापा जी लेबर काम करते हैं, पेंट वगैरह मजदूरी, अभी उनका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो इस करके अभी कहीं नहीं जा रही है। मम्मी हाउस वाइफ है, भाई अभी जॉब लग गई उनकी, 2 3 महीने हो गए हैं और बस चल रहे हैं। एक नवी गल दसी है, मतलब कि हाथ नाल पेंटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हाथ नाल भी पेंटिंग बहुत घट लोग करते हैं और जिन्हां दी पेंटिंग जड़ी है पसंद की जाती है। रहनुमा जिदे दोनों हाथ नहीं है, पैर नाल, एक कुड़ी पैर नाल पेंटिंग करती है और पैर नाल जड़ी इस दी पेंटिंग है वो देख के तुसी हैरान रह जाओगे। मतलब कि दांतों तले उंगल चबाने लई तुसी मजबूर हो जाओगे इस दी पेंटिंग देख के, इन्नी सोहनी है, पैर नाल पेंटिंग कर दिया। मैडम, पेंटिंग का शौक आपको कब से पड़ा? पेंटिंग आया था, मैं स्कूल में थी तो कंपटीशन हुआ था 5th क्लास में, तो बच्चे कंपटीशन में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको ही देख के मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, तो मैंने भी किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने रोज़ बनाया था क्लास में, तो मेरा प्राइज़ भी निकला था, तो
तो उसमें मुझे पाउच मिला था, और उस करके मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया ड्राइंग पेंटिंग में। तो मैंने 8th क्लास तक पेंटिंग की है। फिर इसके बाद हमारे स्कूल में मतलब 10th क्लास के टाइम पूनम मैम आए थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब जो बाहर कंपटीशन वगैरह होते थे तो वहाँ लेके जाते थे मुझे, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। रोड सेफ्टी ऐसे कुछ था, ट्रैफिक पुलिस, हाँ जी ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पे गई थी मैं, तो वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था। सेकंड टाइम मैं तब 10th में थी, तब गवर्नर सर से, सोलंकी सर थे, उनसे मिला था, पंचकुला के हैं वो, तो उनसे मिला था मुझे, उन्होंने मुझे सम्मानित वगैरह किया था। तो अब प्लस वन प्लस टू में भी मैंने कंपटीशन किया था, मतलब काफ़ी कंपटीशन किए हैं जिसमें मेरा प्राइज़ आया, जिसमें नहीं आया, जिसमें कॉन्सोलेशन प्राइज़ आया, ऐसे मतलब धीरे धीरे करती रही, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही, जो कि मैं आज तक कर रही हूँ। तो मतलब उसके बाद आपने मतलब डिसाइड किया भी यार मैं पेंटिंग नू ही अपना कैरियर बनाना है, ताही तुसी फाइन आर्ट्स जड़ा वो ज्वाइन किया। हाँ जी, प्लस वन प्लस टू में भी मैंने फाइन आर्ट ही लिया था, क्योंकि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, इंटरेस्ट था उसमें। तो फिर स्कूल कंप्लीट होते ही मुझे पता नहीं था कि BFA भी कोई कॉलेज है, तो मुझे प्रिंसिपल मैम ने बताया था, मुझे 8th मॉडल की प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने बताया कि रहनमा आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग में। मैंने कहा हाँ जी मैम। तो मैम कहते कि आपको, मैं BA करने वाली थी, तो उन्होंने बोला आप BA नहीं करो, BFA कर लो। मैंने कहा इसके बारे में मैम मुझे नहीं नॉलेज है, तो क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला बेटा मैं आपको बता देती हूँ, आप इधर उधर चले जाना, मतलब साइबर कैफे में, उधर से फॉर्म भर जाएगा। मैंने कहा अच्छा मैम। फिर मैंने फॉर्म भराया, फिर मुझे लगा कि कोई मतलब बिना ऐसे हो जाता है, बिना एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम दिए हुए, तो वो फिर मुझे पता चला एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, जो मेरी सफल भी हुई है, जो कि मैं इस कॉलेज में आई भी हूँ। तो वो उस टाइम फर्स्ट ईयर मेरा कोविड में रहा है, घर पर बैठ के, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर तब मैं कॉलेज में एंटर किया, तो वो भी शॉक हो गए थे टीचर्स की, वाह आप ऐसे काम करते हो, पवन सर, पंकज सर, मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हेल्प भी करते हैं, जो पूछते हैं उनका मतलब आंसर भी देते हैं कि हाँ जी ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, काफ़ी हेल्प करते हैं सारे टीचर्स। तो अब तो मतलब जो लोग आप पे ताने कसते थे अब उनके मुंह बंद हुए या नहीं? हाँ जी हुए ये तो मुझे, हाँ मैं तब लिखने मतलब पेंटिंग करना स्टार्ट किया, तब मैं मतलब पोस्ट करती थी कि इंस्टा पे वगैरह पे मैं पोस्ट करती थी फ़ोटो वगैरह, जो भी मेरे साथ कुछ होता था मैं पोस्ट करती, तो वो भी खुश हो गए कि यार रहनुमा तो मतलब आती है कि न्यूज़पेपर में वगैरह में भी मेरी खबर काफ़ी आई है। तो उन्होंने देखा, तो मेरे आस पड़ोस ने भी बोला काफ़ी कि यार रहनुमा कॉन्ग्रेचुलेशन, वही तो वही कमाल है लड़की, ऐसे मतलब बोलते थे, जिस करके मैं बहुत खुश हो जाती थी। और फिर मेरे करके मेरी फैमिली मतलब मैं बहुत गर्व करती थी, मैं इन मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे मतलब पैदा किया यहाँ पे, लिए इस करके उन्होंने मेरे को यहाँ तक तो पहुँचाया, उनकी बदौलत थी। रहनुमा मतलब कि आपने जैसे टारगेट बना लिया भी हाँ पेंटिंग को ही कैरियर जो है वो बनाना है, तो इसी करके तुसी फाइन आर्ट्स भी चुनिया और फाइनल ईयर च जड़े है तुसी पहुंच भी गए हो। अगली की प्लानिंग है, की करना चाहते हो? अभी तो फाइनल ईयर रहता है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैंने MFA करनी है, जो कि 2 साल की होती है, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, इसमें मतलब आर्टिस्टों की लाइन में जाना है, या अभी मतलब कुछ सोचा नहीं है, डिसाइड वगैरह कुछ नहीं किया, तब MFA क्लियर होएगा तो फिर डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। जॉब तो करनी है बट पार्ट टाइम वगैरह होगी, MFA के साथ ही पार्ट टाइम जॉब होगी, तो वो भी मैं सोचूंगी करूँ, ताकि मैं अपने मटेरियल्स वगैरह जो भी है उसका बजट थोड़ा हाई है, तो फिर सोचा है कि जॉब करने का MFA के साथ ही, फिर अब चलते रहेंगे, वरना बस मेरी हेल्प करे बंदे तो हो जाता है। जैसे मतलब कोई कोई बंदा बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो कोई कोई कर देता है, मेरे मतलब मटेरियल वगैरह का सामान काफ़ी हाई रेट है उसका, ऑयल पेंटिंग वगैरह एक्रेलिक का, तो उसके लिए कर देते हैं, कोई कोई कर देता है, तो उसके बाद भी जब कम वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर भारी पड़ जाता है कि वो कैसे ले सामान को, तो बस कितना खर्चा है आपका, मतलब कि यदि आप पूछा जावे महीने का कितना का खर्चा, पेंटिंग का कितना का खर्चा आता है या मटेरियल ते कितना का खर्चा, कितने पैसे लगते हैं?
ऐसे तो नहीं बता सकती मैं, खर्चा तो काफ़ी लग जाता है क्योंकि हम ऑयल कलर है जो कि काफ़ी महंगा मिलता है, एक कलर कम से कम 800 वगैरह। अगर हम मोटी ट्यूब वगैरह लेते हैं तो 140 ml की लेते हैं या 120 ml की, तो काफ़ी महंगी मिल जाती है। तो फिर थोड़ा मतलब इकट्ठा मटेरियल लेते हैं तो काफ़ी बढ़ जाता है। मुझे कोई ये भी कह रहा था अभी, जो ये पेंटिंग कंपनीज हैं जो पेंट बनाती हैं, जो ये भी सपोर्ट करती हैं जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, ये भी उनको सपोर्ट करती हैं ताकि उनका नाम जो है आगे चमके। जैसे स्पोर्ट्स में है तो जितनी स्पोर्ट्स की कंपनियां हैं वो प्लेयर्स को सपोर्ट करती हैं, तो ऐसा ये नहीं करती। नहीं, आज तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जिस शॉप से मैं सामान लेती हूँ हाँ वो कम कर देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो जैसे नॉर्मल ही है कि उस पर डिस्काउंट कर देते हैं 20 या 10%, ऐसी ऐसी मुझे देते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा फिर उनको भी भारी पड़ जाता है कि यार इतना तो नहीं आया है ना, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जितना सामान मैंने चाहिए होता है तो। आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स की किसी ने कोई वैल्यू पाई कभी? हाँ जी, मैंने काफ़ी सेल भी की है। कार्निवल हुआ था अभी 26 नवंबर को, तो मैंने काफ़ी सेल भी की है अपनी पेंटिंग, और वहाँ पे बैठ के किया भी है काम मैंने, तो काफ़ी बंदों ने मेरी मतलब देखा और सेल भी किया। मैंने स्टोर लगा रखा था छोटा सा, उसमें मेरी पेंटिंग वगैरह थी जिसमें मैंने अपने काफ़ी पेंटिंग 3-4 मैंने सेल की है बड़ी बड़ी। तो कार्निवल में भी लोगों ने काफ़ी आपका उत्साह बढ़ाया होगा, उन्होंने देखा होगा यार एक लड़की जो पैर से पेंटिंग कर रही है, और पेंटिंग भी ऐसी कि हाथ से करना मुश्किल है। हाँ जी, काफ़ी बंदे मेरी क्लासमेट ही है सबसे पहले, तो उन्होंने बोला कि मैं रोज़ आती थी, ये नहीं कि मैं कभी छुट्टी मार लूँ, तो मेरी क्लासमेट बोलती है रहनुमा तो कभी छुट्टी नहीं मारती है, क्योंकि मेरे को पसंद मतलब पसंद नहीं, मतलब घर पे रहना, फिर घर पे भी काम भी रहा, मैं सोचा चलो बाहर ही कर लेते, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरी क्लासमेट है काफ़ी बच्चे हैं, तो उसमें सुनील भी है, मेरी फ्रेंड्स भी है, तो वो बोलते हैं कि रहनुमा कार्निवल आने वाला है। मैंने कहा हाँ जी, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गांव चली गई थी कुछ दिन पहले, तो 5 दिन बाद आई थी मैं, तो कार्निवल से पहले ही आ गई थी, तो मैंने 2 डेज छोड़ दिए, 3 दिन लगता है कार्निवल, तो लास्ट डे में मैंने सेकेंड डे में मैंने सुनील के पास गई थी, तो वो बोले थे रहनुमा तुमने लगाया नहीं। मैंने कहा यार मैं गाँव चली गई थी। वो बोलते कोई बात नहीं, कल ले आना मटेरियल, मैं सेटअप करवा दूंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बंदों ने लगा चुके थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि किसी के बीच में लगाओ है ना, तो फिर वह तो तू चिंता ना कर, तू सामान लिया मैं तेरी हेल्प करा दूंगा। फिर मैं बैठी और फिर थोड़ा नर्वस सी हुई, तो मेरी क्लासमेट आती है अरुंधति, हर्षिता वगैरह, यार रहनुमा तू खुल के लगा, हम तेरे साथ ही है, जो मदद चाहिए होगी तू मेरे से ले लियो। मैंने कहा ठीक है। और क्लास में ऐसा होता है कि जैसे लंच वगैरह होता है कि हम ग्रुप बना के खाना खाते हैं, तो प्रियंका साक्षी नकोटी वगैरह ये जितनी भी है मेरी फ्रेंड्स, तो मेरी हेल्प कर देती है। प्रियंका अपने हाथ से खिला देती है अगर रोटी लेके जाती हूँ तो। मैं ज़्यादातर रोटी नहीं लेके जाती क्योंकि वो मेरे से नहीं खा जाती ज़्यादा, मतलब तोड़ के फिर रखना, अगर घर से तोड़ के लेकर आऊँगी तो वो अजीब सी हो जाती है, तो मैं राइस ही ज़्यादा लेकर जाती, तो फिर मैं फ्रेंड बोलती क्या लाई हो, मैंने कहा राइस, यार तो राइस ही खाती रहेगी, कम से कम रोटी ले आएगा पराठे ले आएगा। मैंने कहा नहीं बस तेरा खा लूँगी मैं। वो बोलते चल ठीक है, कि हम मतलब मिलके ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं मतलब ऐसे कि तू मेरे से बात नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं मैं सबसे बात करती हूँ। बोलती कि यार जितना मैं नहीं जानती कॉलेज वो उतना तो तू ही जान चुकी है। मैंने कहा ऐसे नहीं, तुम घूमोगे थोड़ा इधर उधर जाओगे, कॉम्पिटिशन मतलब देखोगे क्या चल रहा है क्लास में, पता चलेगा तभी। बोलते हाँ उनके ठीक है, मैं सारे सपोर्ट करते क्लासमेट सारे मेरे टीचर्स वगैरह, तो मैं खुश हो जाती हूँ। रहनुमा, मतलब कि उन लोगों के लिए कोई मैसेज जो, मतलब जैसे आप तो एक सफल हो गए हो, देखो आपने, हालांकि रब ने आपके साथ बेइंसाफी की, लेकिन उसके बावजूद ना तो आपको गिला और उसके बावजूद आपने सफल होके दिखाया। उन लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो जो मतलब कि रब से कोई ना कोई गिला रखते हैं, जबकि उनको उनके सारे अंग जो है शरीर के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो रब से कोई ना कोई गिला रखते हैं? है थोड़ा बहुत है कि पहले जैसा भी बताया मैंने कि रश हुआ है मुझे रब से, बट अब जो देखो हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता ही है, उसे बस ढूंढना पड़ता है कि तुम्हें किस में मतलब इंटरेस्ट है,
तो ऊपर वाले ने मुझे एक अच्छी वो दिया है कि मतलब मैं पैर से लिखती हूँ, उन्होंने एक हुनर तो ये मुझे दिया है, और ऊपर से मैं पेंटिंग, उन्होंने मुझे ये भी दिया है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती कम से कम पेंटिंग से ही मैं अपना करियर बना सकती हूँ, जो कि काफ़ी सारे बंदे करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे, मैं फिर खुश हुई कि ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ, अल्लाह तूने मुझे इतना अच्छा हुनर दिया और ऐसे ही मुझे अपना सही रास्ते पे चलना सिखाए और सबको कामयाब करे। मैं यही दुआ करती हूँ काफ़ी बार, मतलब सबकी सेहतमंद में तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू। थैंक यू। ये सी 12 22 साल की कुड़ी रहनुमा जिदे दोनों हथ जड़े आ बह जड़िया कम नहीं कर दिया और एक हथ जरूर हैगा पर उस फिंगर्स है नहीं और तुम देखो वह लत नाल काम करती है अपने लत नाल लिखती है लत नाल वह पेंटिंग करती है ये हुनर की पहचान उन्हें अपने आप की उन्हें अपनी माँ के सहयोग नाल इस हुनर की पहचान की और देखो उन्होंने रब नाल किसी तरह का कोई गिला भी नहीं है वो टोटल हुण तक वह मैरिट पर आई है बहुत वड्डी गल है और फाइन आर्ट्स की 4th साल की स्टूडेंट हैगी है उन्हें एक बहुत वड्डी गल की है उन्हें कहा भी हर एक आदमी विच कोई ना कोई हुनर जरूर हुंदा पर वह पहचानन की लोड़ है वो मैं जदी वो अपने हुनर नू पहचान लेगा ता वो जिंदगी विच सफल भी जरूर होएगा। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन सुमित दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तो।